आपके लिए हरी बीमारी भगवान ना कर किसे कहा गया, लेकिन आ जाते 1 करोड़ तक के इलाज फ्री कर दिया, किसे MLA का उठा ले, किसे मंत्री का उठा ले, किसे सांसद का उठा ले, पूछ तेरी गाड़ी में तेल कितना है, पूछ तेरा मकान का खर्चा कितना है, पूछ उसका बिजली का बिल फ्री है कि नहीं है, उसका घर कार रहने का सारा फ्री है कि नहीं है, उसके हवाई जहाज की यात्रा फ्री से नहीं है, उसकी ट्रेन की यात्रा फ्री से नहीं है, हर चीज फ्री, वो सारी चीज फ्री लेने लग रही, फिर हमने क्यों नहीं मिला। राम राम भाई सारा ने, तो आज है भाई 11 जुलाई 2024 है, तो हमारे गांव में पवन हिंदुस्तानी जी जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रखी है, तो वे उन्होंने गांव वालों की समस्या सुनी और उन समस्याओं का हल भी बताया और गांव वालों से क्या वार्तालाप हुई आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से सुन सकते हो। आम आदमी पार्टी क्या वादे करती है वो भी आप इस वीडियो में सुन सकते हो, तो बने रहे और देखिए वीडियो। और उस खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसको अलग का मुआवजा मिला कि भाई उस खेत के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उसकी भी तो गई रोजी होती। तो इसी सरकार की जो अपन अगर ऐसी सरकार अपने बीच मार दिया तो कुछ बदल जाएगा, हमारी पीढ़ियाँ का तरफ स्कूल बना जाएगी, इनके रोजगार की व्यवस्था कर देगी, आपके लिए हरी बीमारी भगवान ना कर दीजिएगा आ जाए, लेकिन आ जाते 1 करोड़ तक के इलाज फ्री कर दिएगी। ये कहेंगे बोले फ्री क्यों बांटा है भाई हो, अरे फ्री ये सारे लेने लग रही है, बगड़ बिल्ले ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, किसे MLA का उठा ले, किसे मंत्री का उठा ले, किसे सांसद का उठा ले, पूछ तेरी गाड़ी में तेल कितना है, पूछ तेरा मकान का खर्चा कितना है, पूछ उसका बिजली का बिल फ्री है कि नहीं है, उसका घर कार रहने का सारा फ्री है कि नहीं है, उसके हवाई जहाज की यात्रा फ्री से नहीं है, उसकी ट्रेन की यात्रा फ्री से नहीं है, हर चीज फ्री, वो सारी चीज फ्री लेने लग रही, फिर हमने क्यों नहीं मिला। अब कहेंगे बोला ये कितना देंगे, तो मैं कितने देने की बता दिया हूँ आपके बीच में कितना। दिल्ली में एक पुल बनया, जब इंजीनियर से पूछा भाई ये पुल का बजट कितना है, तो उन्होंने बजट का खर्चा निकाल के दिया भाई 450 करोड़ रुपये बजट लगेगा। और जब आम आदमी पार्टी ने उस पुल को बनाना शुरू कराया, उनका द्वारा बनाना शुरू कराया, उस पर निगरानी बिठाई, तो पता लगा कि वो 250 करोड़ में तैयार हो गया, हर रुपए बचे 200 करोड़, और 200 करोड़ में हमने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दी बसों में, इन बीजेपी वाले का पेट में दर्द हो गया, आप महिलाओं की टिकट फ्री क्यों करी, इनकी यात्रा फ्री क्यों करी, अरे महिला भी बराबर का हक रखती है भाई, मनो वो थोड़ा करते बाहर निकलेंगे कमा के ले आऊंगी, 1 और 1 11 होगी, और परिवार में किमन की में आमदनी बढ़ेगी, और दिल्ली जैसी शहर के अंदर तो भाई महिला भी कमाओ सर आदमी भी कमाओ है, तो अच्छी नीयत थी तो 200 करोड़ में उनका पूरा साल का ही काट दिया, और इसे कितने सामने तो ये पहाड़ चल रहे हैं, आप लोगों तो नहीं पता है कि नहीं पता मन नहीं बेरा, लेकिन ये पहाड़ सारे का सारा गुजराती खा गए, है तो आपकी संपत्ति, आपका कोई भी बच्चा इसके अंदर DSIDC है, कौन सी HSIDC बैठी है कंपनी, HSIDC के अंदर एक भी बालक इस तुसाम विधानसभा का हो तुम गारंटी लो, सिक्योरिटी में कोनी बेरा तो कोनी जी हमने तो हां तो बेरा कोनी या लिगड़ी सच्चाई हम तो वोट पता ही नहीं है, वोट गिर सका हम बस इतना हमने वोट वोट कर लो, यो वोट भी 3 महीने में बदल जाएगा आपका, मैं कहता हूं कैसे बदल, कोई फाफा पीगा बन के आ जाए, कोई काका काती बन के आ जाएगा, कोई ताऊगा धोरा बन के आएगा, कब ले जा बेरा को पटेगा आप बताओ जी आपकी क्या समस्या है, उसकी ड्यूटी ऊपर तो लगेगी, जा भाई उस गांव के अंदर सभा करके यार पूछ, वहां पर निवारण कमेटी बिठा, और हमने पता होना चाहिए कि क्या क्या निवारण करके आए तुम समस्याओं का, ये होना चाहिए हो रहा है सारा उल्टा, मैं लिखी आली मेरे नो क्या पे एक रोक रोक खड़े हो गए, सुन ये भी चलो ना तुम आ जा दो फिर तेरे काम का उदाहरण बताऊंगा तने, मैं मिन्नू और लाडू अपने आड़ तूफान बैठे इसके अंदर पटवार खाने के नाम की बात है
मुआवजा प्रधान मारा मुआवजा कर देता पटवारी। तो वहाँ किस तरह को बोला पंचायत के किले ले रखे हमने, तो मन में उड़े तसली करी माँ भाई मुआवजा करे तो करके है बोले उड़े चले जाओ सभी कान को ऑफिस में और बोले उड़े तसली करो और मुआवजा किस तरह रुक रहा है लाटू उधर बोस तो माँ बेतर का जो तरह मुआवजे घर कर लगे। अगले दिन आए को नहीं की फिर मैं उनके घर नहीं जाऊँ भाई जो इस बैनर पर था शायद पढ़े अपन की लिख रखा था हम तो केजरीवाल केजरीवाल की फोटो देख के उस पर लिख रहा था जनसंवाद। और जनसंवाद का मतलब यो था कि हम आप लोगों से बात करा आपकी समस्या सुन की उन समस्याओं का निवारण कैसे होगा उसके रास्ते काट के देखे जाओ। देखा मतलब आड़े देख लो ही बस आपका फर्क कितना पड़ गया था कि यह चीज आई की थी हमने बैनर लगा फोटो खींच ली इसका मतलब क्या वो चीज पूरी होगी जो चीज हम करने आए थे नहीं हुई। असली चीज तो यह थी कि हम आप तो बैठ के बात करते आप लोग अपनी चीजा ने बताते उस चीजा ने समझते और उस तो आप यह विचार सोच के चला है भाई अगला टाइम को पर राजनीति कैसे सही हो सके है। आज पहला ऐसा क्षेत्र देखा जिसके अंदर पंचायतें होने लग रही है कि भाई राजनीति का सिस्टम बदलो ये पंचायतें क्यों हो रही है ये यूं को नहीं काट को एक विधायक चुनना ये यूं चाहूंगा कि भाई विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का हो विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज़ ने सुन सके और जिस तक आपकी आवाज जाती आनी टाइम ना लगे। तो अपना विधानसभा तो जागरूक है एक तो जागरूक होने लग रही है तो आपा पीछे क्यों रहा दांग पीछे क्यों रहे दांग भी तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और जब पार्टिसिपेट करोगे तभी तो चीजें बदलेंगी। आप यह सोच के चल पड़ो आज तो मैं कह के जा रहा हूँ हर चीज के अंदर राजनीति है रात न सो तब भी ऊपर राजनीति चल रहा है वो पंखा जो चल रहा है वो भी राजनीति का हिस्सा है वो बिजली का मीटर का जो बिल निकला वो भी राजनीति का कारण है जो मीटर जो ऊपर चल रहा पंखा उसका बिजली का बिल जीरो हो सके है आपका टैक्स हर मिनट हर सेकंड चल रहा है हर चीज में आपका टैक्स लिया जाता है लेकिन जो टैक्स लिया जा रहा है उस पैसे का हिसाब कौन दे रहा आपको कोई नहीं दे रहा उसका पैसे का हिसाब आपके वापिस आना चाहिए या तो रोड में दिखना चाहिए या आपके रोजगार में दिखना चाहिए रोजगार में ना दिक्कत आपकी किसानी में दिखना चाहिए हर चीज की व्यवस्था हो सके कोई बड़ी बात को नहीं सब चीज बहुत आसान है लेकिन आप आए नहीं चाहते कि भाई यह चीज बदले क्योंकि आप वोट का टाइम पे बदल जावा हम सोचे को नहीं पाते कि भाई वोट क्यों दिया गया था किस लिए वोट वोट इसलिए नहीं था आगे भाई चाचा ताऊ को जिता दो चलो जिताना चाहिए अच्छा आदमी तो जिताना चाहिए लेकिन योग्य उम्मीदवार को ही जिताना चाहिए योग्य उम्मीदवार जब तक नहीं चुनोगे इतना ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहेंगी कोई नहीं हटा सकता। आप चाहे कितना कह दियो कि धानिया नू कर गया फलानिया नू कर गया धर्मवीरिया नू कर गया किरण नू कर गई उन सारी व्यवस्थाओं को चुनने वाले हम हैं हमने जिस दिन अपनी व्यवस्था सही चुननी शुरू कर दी तो सारा सिस्टम बदल जाए नहीं बदल जाए तो मजबूत बना के दोगे इस गांव की और वो कमेटी फिर आने वाला टाइम अपने आप बता देगी इस गांव का कैसे बदल गई पहले आदमी तो कोनी आंदे मान ले आप बीच में आए हो कि हमें जानकारी मिली है पहले तो नो यो ओमबीर को बांधू बाद को बतांदे बात बतांदे को ठाकुर साहब ई आ गया लेकिन ई मैं परली कुण पे थोड़ी जांगा उस बात ने पेंडिंग में परली कुण वाले थोड़ी फिर आड़ पावन आ गई ई हमने नो मेरा पार्टी का आप को टिकट मिलेगी परले चिपको जी टिकट मिलेगी तो पूरी ताकत लगाई जाएंगे स्कूल पे बैठे हैं उस कुंडाले को मेरा लेकिन अगर यह मीटिंग सारे मिल के आप 20 गांव के अंदर कर लेते और पूरा गांव ने इकट्ठा कर लेते सब ने पता चलता हाँ आम आदमी पार्टी एक बार को नहीं आपका गांव में कई बार आ चुकी है लेकिन ये तो इस कुंड कौन बेरा पिछले अनुकूल बेरा मैं पिछली बार अगली बार जब परला कुंड पर मिलूंगा ना या ओमवीर भाई जब परला कुंड पर जाएगा तो कहेंगे तम तो अंधे को नहीं आज पहली बार आए और हम नु कहा हमारे पैरों में छाले पड़ लिए थारा घर हम आंड एंड की तो अगली मीटिंग करांगे आपके गांव में बड़ी आप यूं बताओ गांव में सारा दोगे कि नहीं उस दिन गांव में लोगों ने बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे उस दिन सारा जोर लगाइए उस दिन गांव के बीच में स्पीकर तक बोलेंगे और सब ने मैसेज देके जाओगे पार्टी तो जो जुड़ना चाहो जो कमेटी में शामिल होना चाहो वो एक और लिखवा दो सुंदर नाम लिखवाई